रोहित के निर्माण संघर्ष मोर्चे के सदस्यों की बैठक भी संपन्न, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करवाई जाए। रोहित के निर्माण संघर्ष मोर्चे के सदस्यों की बैठक दिन रविवार को साकेत नगर गुरुद्वारे में आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों से आपस में चर्चा हुई। बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि मोर्चे की आगामी कार्रवाई को एक दिशा में आगे बढ़ाने हेतु हम सभी अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। प्रतिनिधि में भूपेंद्र सिंह, कन्हैयालाल बिजलानी के प्रस्ताव पर बीबी पांडे, एम प्रसाद, कृष्णा बानो, मनोज दादलानी, शैलेंद्र धारवा एवं अन्य उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इंजीनियर ज्योति प्रकाश त्यागी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। सभी सदस्यों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इंजीनियर त्यागी ने जिम्मेदारी स्वीकार की एवं एक सूत्रीय एजेंडा पास किया, जो कि चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करवाई जाए। गृह निर्माण सोसाइटी की आज एक मीटिंग रखी गई थी, महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई थी, क्या निर्णय लिया गया और कितने पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहे? साथी बंधु, आज गृह निर्माण सोसाइटी जो भोपाल में गत 25 सालों से हम 330 सदस्य जो हमारे पैसे के जो भूमि के लिए हम आज तक तरस रहे हैं, उसमें सरकारें, कांग्रेस की सरकार भी आ गई, बीजेपी की सरकार भी आ गई और जो सरकारी संस्था थी जो गृह निर्माण सोसाइटी चला रही हैं, जो आज उनके ऊपर हैंड ओवर है, जो 10 साल का हैंड ओवर है, हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्द इलेक्शन कराया जाए और ये बॉडी हमें सौंपी जाए। इस उपलक्ष्य में हमने आज मीटिंग यहाँ पे रखी है, जो हम लोग 1.5 साल से तरस रहे हैं कि हमें अपना बॉडी दी जाए। उसके उपलक्ष्य में आज हमने एक एजेंडा तैयार किया है कि जल्दी से जल्द इलेक्शन हो जाए और हम अपनी बॉडी बना के प्रेसिडेंट के लिए अपना कैंडिडेट खड़े करें। तो हमने इसमें 2-3 नाम प्रस्ताव किए हैं, जो पांडे जी हैं, प्रसाद जी हैं और त्यागी जी हैं, जिनको हमने नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट के लिए। इसमें आज हमने सर्वसम्मति से आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम सारे संस्था जो 330 सदस्य हैं वो अपनी बैकडोर हम इन 3 सदस्यों को आगे देंगे। सर, आज एक मीटिंग रखे थे, 320 सदस्य की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे 25 सदस्य नहीं, आखिर क्यों, क्या वजह मानते हैं कि अभी पदाधिकारी सामने नहीं आए? सारे जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े बाहर के भी हैं और कुछ ओल्ड हो चुके हैं, जो अभी 25-30 साल का केस है, तो उसमें आधे लोग इस संसार में ही नहीं है, जो उनके आज बच्चे प्लॉट को देख रहे हैं। तो बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि इस नामांतरण नहीं हो पा रहा है, नाम इस लिस्ट जो अभी तक सरकार तैयार नहीं कर पा रही है, इसमें जब तक वो आदमी लिस्ट अपडेट नहीं होगी तब तक वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट भी है और साथ में 90% लोग बाहर हैं और कुछ इतना ही कस्टमर्स भी हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज वाले भी हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मैं भूपेंद्र सिंह, रोहित गृह निर्माण सोसाइटी का एक सदस्य। अब मैं चाहूँगा कि त्यागी जी से, आज बैठक में आप भी सम्मिलित हैं, आप भी एक सदस्य हैं, क्या आगे की तैयारियां हैं, चूंकि लगातार आप लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, आगे क्या आप लोगों ने मीटिंग में निर्णय लिया गया? अभी ये निर्णय लिया गया कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए, उसके लिए कार्रवाई किया जाए, चुनाव जल्दी हो सके। चुनाव के अलावा एक मुद्दा हमारा और भी है कि करीब 200 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने 40-70 हज़ार रुपये जमा किए थे कलेक्टर साहब के गाइडलाइन पर, कलेक्टर साहब के आई जो वेबसाइट पर ऑर्डर निकला था, एक लेटर निकला जारी हुआ था कि ये है 1000 रुपये की प्लॉट दे दी जाएगी, इसके लिए 40-50 हज़ार जमा कर दिया, वो पैसे पूरे उसका पूरा गबन हो गया, जिन्होंने क्या अपना गबन कर दिया, वो क्या यूनिवर्सिटी केस चल रहा है, वही हमने कहा कि अभी वहाँ पे कुछ लोग यूनिवर्सिटी का बयान दर्ज किया है, बाकी वो जो 200 आदमी उनको भी ढूंढा जाए, उनका भी बयान दर्ज कराया जाए, बाकी मीटिंग में ये भी एक मुद्दा डिसाइड किया गया। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम लोकेश पुरुषवानी। आज रोहित गृह निर्माण सोसाइटी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, क्या अहम निर्णय लिया गया और आगे क्या कार्य योजना? देखिए, हम लोग करीब 19 फरवरी 2023 को पहली बार मिले थे और हमने बहुत प्रयास करके 330 इकट्ठे मेंबर किए हैं, जो कि जिनको आप बोल सकते हैं कि पीड़ित मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई, अपना जीवन भर का पैसा, जो यहाँ पे बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनके जो बच्चे हैं उनको छत की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोग हैं नागपुर में, एक लेडी हैं और वो बहुत एजेड हैं, उनके हस्बैंड भी नहीं हैं, उनकी बेटी है और उनको भी घर पर रहने की ज़रूरत है, और ऐसे हमारे बहुत सारे तमाम सदस्य हैं जिनको कि जीवन में जिन्होंने 20 साल पहले अगर 8 लाख रुपए जमा किए थे तो आप सोच सकते हैं कि 20 साल में वो 8 लाख रुपए की कीमत क्या होगी। उस समय जब वो उनको प्लॉट मिलना चाहिए था उस समय उसकी कीमत 8 लाख रुपए थी, जो आज की डेट में मेरे ख्याल से कम 50 लाख रुपए के आसपास रोहित ये जो बावड़िया कला का जो एरिया है वहाँ पे उस प्लॉट की कॉस्ट होनी चाहिए। क्या आगे की क्या कार्य योजना आप लोग? तो हम सब सदस्य करीब करीब 1.25 साल से यही प्रयास में हैं, हमने पूर्व सरकार में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के पर्सनल सेक्रेटरी, उनको भी हमने रीच किया था, कलेक्टर भोपाल के तक उन्होंने चिट्ठी पहुँचाई थी,
कलेक्टर भोपाल ने पिछली बार एक सूची तैयार की थी जिसमें कि बहुत सारे सदस्य की जानकारी सहकारिता विभाग नहीं जुटा पाया था, तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था चुनाव के लिए जो कि चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। तो अभी वापस से चुनाव आयोग ने वो वापस जांच के लिए नीचे भेजा है और वापस से वो एक जो अंतिम मतदाता सूची जिसको बोलना चाहिए उसके प्रकाशन का और उसके उसको संरक्षण का काम चल रहा है, उसको बनाने का काम चल रहा है बेसिकली। तो वो काम पूरा होते ही जो है चुनाव डिक्लेयर होने चाहिए और हमारी सहकारिता विभाग से एवं हम ये भी चाहेंगे हम पूरे अपने सभी सम्माननीय सदस्यों की तरफ से कि सहकारिता विभाग के मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी जो हैं वो हमारे रोहित गृह निर्माण सोसाइटी के संरक्षक बने और वो संरक्षक बनते हुए वो रोहित सोसाइटी के जो तमाम परेशान मेंबर्स हैं उनकी परेशानियों का वहाँ पे हल निकलवाएं, बनाने में सहयोग करें और इस रोहित सोसाइटी को हांगकांग और सिंगापुर से भी ज़्यादा हाईटेक एक सिटी बनाने में हम काम करिए। मैं आपको बता दूं 100 एकड़ की ये सोसाइटी है, करीब करीब 100 एकड़ में ये प्रॉपर्टी फैली हुई है और 100 एकड़ का जो अध्यक्ष है, जो मंत्रिमंडल है हमारा, जो आने वाला संचालक मंडल है, वो इस 100 एकड़ को एक बेस्ट टाउनशिप ऑफ इंडिया बनाने के लिए काम करेगा और इसमें हम आप सभी का सहयोग की जरूरत। ठीक है सर।